मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सुखविंदर उर्फ सुखा को पानीपत पुलिस की मदद से बुधवार रात को पानीपत की अनाज मंडी के पास स्थित होटल अभिनंदन से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी सुखा अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के मामले में आरोपी था और फरार चल रहा था। जानकारी के अनुसार सुखा किसी लड़की से मिलने के लिए होटल में आया था, जिस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुंबई पुलिस ने पानीपत पुलिस के सहयोग से आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। होटल के हर फ्लोर पर पुलिस की निगरानी थी और जैसे ही सुखा होटल में दाखिल हुआ उसे पकड़ लिया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश वत्स ने बताया कि मुंबई पुलिस बुधवार रात को सेक्टर 29 थाना क्षेत्र में आई थी और उन्होंने सूचित किया कि एक आरोपी जो मुंबई केस से संबंधित है पानीपत में छिपा हुआ है। इसके बाद पानीपत पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से होटल अभिनंदन में छापा मारा और सुखविंदर उर्फ सुखा को गिरफ्तार किया। आरोपी पानीपत के गांव रेल कला का रहने वाला है। डीएसपी ने कहा कि आरोपी पर कोई अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं या नहीं इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल आरोपी को मुंबई पुलिस द्वारा राहदारी रिमांड पर मुंबई ले जाया जाएगा। बीती रात मुंबई की पुलिस की टीम हमारे सेक्टर 29 थाना के क्षेत्र में आई थी। उनके पास कोई सूचना थी उनके केस की कि उनका केस का कोई आरोपी यहाँ पर है, तो हमारी सेक्टर 29 थाना पुलिस की सहायता से उन्होंने एक अभिनंदन होटल पर रेड किया और एक लड़के को उन्होंने काबू किया। सुखा सुखवीर और सुखा उसका नाम है और वो गांव हमारे जिला पानीपत के रेरकला गांव का रहने वाला, तो मुंबई पुलिस ने उसको यहां से अरेस्ट किया। क्या बताया सर इसका, क्या कोई लिंक किस केस के? देखिए केस के बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वी आर नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ दिस केस। तो हमें सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास मुंबई पुलिस आई थी और एक लड़के को यहाँ से काबू करके ले गई। वो हम पता करवा रहे हैं हमारा, क्योंकि हमारा जिला पानीपत का ही रहने वाला है। पहले मतलोटा थाना इसका लगता था और आजकल सदर थाना लगता है, तो दो थानों से इसका हम रिकॉर्ड पता करवा रहे हैं। सर लॉरेंस बिश्नोई से जो सुनने में आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई से इसके इसके जो है ये जुड़ा हुआ है, और दूसरी बात जो पिछले काफी दिनों बाद जो है सलमान खान के घर जो सूत्रों ने गोली चलाई थी उसमें भी इसने हथियार मुहैया करवाए, ऐसी सूत्रों से जानकारी। देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन इस केस की नहीं कर रहा। सही रूप से कार्रवाई नहीं सर महाराष्ट्र पुलिस। देखिए ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि कोई भी अदर स्टेट की पुलिस आती है तो लोकल पुलिस उसको सहायता देगी, तो उसी क्रम में हमारी सेक्टर 29 थाना की पुलिस ने इनको सहायता दी। सर ये लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा हुआ है ये कुछ नहीं कह सकते। हाँ वो अभी अभी कोर्ट में पेश करके राहदारी रिमांड पर लेके मुंबई लेके जाएंगे।